हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रिमा और आपका मेरे चैनल द स्पिरिटेड सोल ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं बेबी कंपनी का हॉर्स पुश राइट। ये पुश राइट 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। इस वीडियो में मेरी बेबी कोको 15 महीने की है। पैकेजिंग थोड़ी डैमेज आई हुई है। इस वीडियो में हम इस हॉर्स पुश राइट के अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके आपको दिखाने वाले हैं। मेरी बेबी कुकू बहुत एक्साइटेड है अपने हॉर्स राइड को देखने के लिए। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमने सारे के सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं, अब चलिए असेंबलिंग शुरू करते हैं। ये स्टिकर्स दिए गए हैं हॉर्स को सजाने के लिए और साथ ही साथ एक मैनुअल भी दिया गया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन है कि आप कैसे इस हॉर्स को असेंबल करेंगे। कुकू अभी से खेलने लगी है अपने हॉर्स राइड के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 पार्ट्स हैं, जिसमें से कुछ ऑलरेडी असेंबल्ड है और कुछ आपको करना पड़ेगा। हमने इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉलो कर लिया है जिसके अनुसार ये मेन बॉडी है। मेन बॉडी के साथ हैंडल्स और शाफ्ट्स लगे हुए हैं। शाफ्ट्स हैंडल के अंदर हैं और ये आपका फुटरेस्ट। फुटरेस्ट में नट्स लगे हुए हैं पहले से ही, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है म्यूज़िक सिस्टम, जहाँ पे आप बैटरी डालेंगे तो इसमें से अच्छी अच्छी आवाज़ें निकलेंगी। ये रहा बैक रेस्ट, बच्चों की पीठ को सपोर्ट देने के लिए, और हार्नेस भी है सेफ्टी रीजंस के लिए। ये है बैक हैंडल, इसकी मदद से आप पुश राइड को पुश कर सकते हैं। ये है बॉटम पैनल, जिसे मेन बॉडी के नीचे लगाने वाले हैं नट्स की मदद से। एंटी स्किड फुटरेस्ट दिया हुआ है ताकि बच्चों का पैर ना फिसले। सबसे पहले हम मेन बॉडी के साथ बैक हैंडल लगाएंगे। बैक हैंडल में रॉकिंग हॉर्स लिखा हुआ है, जिस तरफ की लिखा हुआ है वो आपकी फ्रंट की तरफ होगा। बैक हैंडल को अपनी जगह पे सिक्योर करें इस नट की मदद से। नट में लिखा हुआ पोर्शन बैक की तरफ होगा। अब हम बैक रेस्ट को फिट करेंगे। बैक रेस्ट को अपनी जगह पे फिट करने के लिए ग्रूव्स दिए गए हैं, इन्हें देख के अच्छे से फिट कीजिए। मेन बॉडी फिट हो चुकी है पूरी तरह से। आप चाहे तो इसे हॉर्स पुश राइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे रॉकिंग टैडल की तरह यूज़ करना है तो बॉटम पैनल लगाना पड़ेगा। बॉटम पैनल लगाने के लिए सबसे पहले मेन बॉडी को बॉटम पैनल के ग्रूव्स में अच्छी तरह से सिक्योर करें। 2 और नट्स बचे हुए हैं, इन्हें आप आगे की तरफ और पीछे की तरफ लगा दें। ये रहा रॉकिंग क्रैडल, जो कि पूरी तरह से रेडी है। चलिए अब इसे हम लोग सजा लेते हैं। पहले हम आंख वाला स्टिकर लगाएंगे। ये रही आंख अपनी जगह पे, दूसरी आंख भी लग गई। ये रही नाक, अब हम ब्लश लगाएंगे। यहाँ एक क्यूट सा म्यूजिक सिस्टम टॉय दिया हुआ है, अगर आप इसमें 2 AA साइज बैटरी लगाएंगी तो ये म्यूजिक सिस्टम बचेगा। चलिए इसे भी खोल लेते हैं। पीछे की तरफ एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें आप बैटरी डालेंगे। ये रहा कंपार्टमेंट, हमने बैटरी डाल के देख लिया, ये म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, शायद फॉल्टी प्रोडक्ट है। तो पूरी तरह से हम लोग असेंबल करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है, प्लास्टिक मटेरियल है, काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही अफोर्डेबल है।
पर इसके व्हील्स इतने स्टर्डी नहीं है कि आप इसे बाहर सैंड में यूज़ कर सकें या बाहर आपके प्लेग्राउंड एरिया में यूज़ कर सकें। घर के लिए, इंडोर के लिए, टेरेस के लिए ये बहुत ही अच्छा है। प्लेन सरफेस होना चाहिए, तभी ये हॉर्स पुश राइड आपके अच्छे से काम करेगी। चलिए अब हम बेबी कोको को इस पर बिठाते हैं और देखते हैं वो इसे किस तरह से इंजॉय करती हैं। अपने बेबी को अच्छी तरह से सीट पर बैठा दें। बेबी के पैरों को फुटरेस्ट पर रख दें। अब हार्नेस लगा लीजिए अच्छी तरह से। अच्छे से टाइट कर लीजिए हार्नेस को ताकि ये खुले नहीं। बच्चों को ये क्रैडलिंग वाला मोशन बहुत ही पसंद है और ये आपके 1 से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए सही है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए ही ये हॉर्स पुश राइड खरीदें। हमने बॉटम वाला पैनल खोल दिया है, अब हम कुकु को इस पर बैठा के एज अ हॉर्स पुश राइड इसे यूज करेंगे। हार्नेस फिट कर दीजिए। इस हॉर्स पुश राइड में एक ही प्रॉब्लम है कि ये टर्निंग ठीक से नहीं लेता है। अगर आप टर्निंग में ध्यान दें तो बच्चे के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप हॉर्स पुश राइड को ऊपर उठाइए और फिर टर्न कीजिए। कुकु इस पुश राइड को बहुत एंजॉय करती है, वो इसी पे बैठ के खाना खाती है और टीवी भी देखती है। और ये आपके बजट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ी टर्निंग के टाइम पे ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।